नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। नगर निगम बाजारों से अतिक्रमण हटाने में फेल, दुकानदारों ने कर रखा है अतिक्रमण। बाजारों के प्रधानों ने कहा प्रशासन हटवाए अतिक्रमण। घर से कॉलेज पढ़ने गई छात्रा संदिग्ध परिस्थिति में हुई लापता, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की छात्रा की तलाश। 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण धान की कटाई पर लगा ब्रेक, धान भीगने से किसान परेशान, आवक हुई बंद। काबड़े रोड से फरीदपुर वाली पुलिया से लेकर लघु सचिवालय तक 30 करोड़ से बनेगी पक्की ड्रेन, गंदगी से मिलेगी राहत व रास्ता होगा सुगम। नशा सप्लायर को हिमाचल से गिरफ्तार कर लाई पानीपत की एंटी नारकोटिक सेल की टीम। आरोपी शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने की चाहत में चरस खरीद कर करता था अवैध तस्करी। दिल्ली पैलर नहर बाईपास पर युवक से मोबाइल फोन व पर्स छीनने की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को सीआईए 1 की टीम ने किया गिरफ्तार। सीआईए 3 की टीम ने सेक्टर 12 में किराएदार के घर में हुई चोरी की वारदात का किया पर्दाफाश, कोई और नहीं बल्कि मकान मालिक का बेटा ही निकला आरोपी। आरोपी के कब्जे से चोरी किए हुए 4 सोने की अंगूठी, 2 आर्टिफिशियल अंगूठी व 8,000 रुपए की नकदी भी बरामद और आरोपी को कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। साइबर क्राइम जागरूकता माह के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी देकर जागरूक करने की दिशा में पानीपत पुलिस की एक और नई पहल, साइबर क्राइम राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 से अंकित सेल्फी पॉइंट के माध्यम से ताऊ देवीलाल पार्क में लोगों को किया गया जागरूक। बदमाशों ने कामगार को ई रिक्शा में लिफ्ट देकर पहले की मारपीट, फिर लूट लिया मोबाइल और 10,000 रुपए की नकदी। सेक्टर 13-17 थाना पुलिस ने किया मामला दर्ज। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़ रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ नमस्कार।